मैनपुरी शहर थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम परोख के पास बने पुल के नजदीक भट्टे की लेबर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। आपको बता दें, ट्रक ओवरलोड सवारियों से भरा हुआ था, जिस पर बच्चों सहित 2 सैकड़ा से अधिक लेबर सवार थी। एक बार प्रशासन की फिर लापरवाही सामने आई, जिसके चलते ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना की सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार सिंह के अलावा भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बावजूद मैनपुरी प्रशासन इन ओवरलोड ट्रकों व ट्रोलाओं पर लगाने में नाकाम दिख रहा है। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार ने क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। कई लोग घायल हुए हैं, मजदूर हैं, क्या पूरा मामला? एक ट्रक जो अलीगढ़ से बिहार जा रही थी, जिसमें लगभग भट्टे के मजदूर थे, 50 मजदूर थे, उनके बच्चे भी शामिल हैं। एक तीव्र मोड़ है गडेरी के पास, परोख के पास एक तीव्र मोड़ है, वहाँ ओवर स्पीड होने के कारण जो ट्रक पलटी है, वहाँ पुलिस पहुँची और उसमें लगभग 15 से 16 लोग घायल हैं, जिनको जिला चिकित्सालय में लाया गया है और उसका प्राथमिक उपचार कराया गया है। वो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनको देखने के लिए पुलिस पहुँच गई है। जो भी खाने की व्यवस्था है, जो उनको नाश्ते की व्यवस्था पुलिस कर रही है। बच्चे भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं सर? अभी तक मौके में पहुंचा हूं, बच्चे घायल नहीं दिखाई पड़े हैं। जो मलहन पट्टी हुई है, वो जो वयस्क है उनकी हुई है। गंभीर कितने लोग घायल हैं इसमें? गंभीर इसमें सामान्य रूप से घायल है, कोई गंभीर नहीं है। अच्छा, लगभग बता रहे हैं 100 से 150 लोग सवार थे इसमें। 50 जो मैनपुरी शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश व जनपद में नंबर 1 स्थान पर है, यहां पर अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम दैनिक व्यावासीय से परिपूर्ण है। अगर जनपद में किसी विद्यालय में शिक्षा बच्चों को सुशासन के साथ दी जाती है, तो वो विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी है। अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य देना चाहते हैं, तो आज ही इस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। एक ऐसा विद्यालय है जहां बच्चे को संस्कार के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराना चाहते हैं हम। बच्चे में फिजिकल के साथ साथ दूसरी सभी एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं। सुदिति ग्लोबल एकेडमी ऐसे बच्चे चाहते हैं तो देश को प्यार करें, देशभक्ति जिनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई हो, जो अपने देश को प्यार के साथ साथ अपने परिवार को, अपने माता पिता को भगवान के रूप में माने, गुरु को भगवान के रूप में माने, जो संसार में जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाए। सुदिति ग्लोबल एकेडमी, मेरे माता पिता और आदरणीय मदन लाल जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इसलिए मैं आप सब से कहता हूँ, आइए और सुदिति ग्लोबल एकेडमी को एक बार देखिए और अपने बच्चे का भविष्य उज्ज्वल बनाइए। धन्यवाद। विद्यालय में बच्चों के लिए आरओ के पानी की व्यवस्था, खेलने के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था, बैठने के लिए पर्याप्त सीट की व्यवस्था, बच्चों के लिए लैब की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था के अलावा आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से विद्यालय परिपूर्ण है। I promise my parents, my stakeholders that we will provide the best education to their kids, which is to be at par with any best school of India. Our main focus is not only the academics, but to enrich the skill of our students, so it will help them to become a successful person in their life. Along with that, we are also focusing on their other skills, like enriching their skills, their passion, their hobbies. Sudhiti Global Academy has its deep root in the field of education in the city of Mainpuri, and I feel so proud and privileged to become part of Sudhiti Global family. Students come here with great hope and vision to achieve their dreams, as inspired by the motto of our senior principal, Sir Dr. Ram Mohan, to achieve always high or to aim high. So we always try to make our students a better citizen, not only in the academic, but also to make them aware about their responsibility toward the society. Along with academics, we are also giving a value education to our kids with the Sanskriti and culture of our country, our Mahan Desh, Bharat.